तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको हिसाब एक बताने वाला हूँ। आप सुनकर शौक जाएंगे। IPL की स्थापना 2007 में BCCI के पूर्व सदस्य ललित मोदी जी के द्वारा की गई थी। IPL दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला क्रिकेट का खेल है और IPL दुनिया के सभी स्पोर्ट लैंग्वेज के बीच सत्ते स्थान पर है। IPL का 2010 में यूट्यूब पर सीधा प्रसारण भी किया गया था। तो आइए जानते हैं IPL से जुड़े कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपको शायद ही बताऊंगी। ओके नंबर वन, IPL के मैच में यूसुफ पठान ने 37 गेंदों में 100 रन बनाकर IPL का सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। नंबर टू, मुंबई इंडियन ने IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं और सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं। नंबर थ्री, चेन्नई सुपर किंग की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने आज तक अपना कैप्टन नहीं बदला। नंबर फोर, IPL में सबसे ज़्यादा शतक गौतम गंभीर के नाम है। वही सबसे अधिक डॉट बॉल पर आउट होने का रिकॉर्ड भी गौतम गंभीर के ही नाम है। नंबर फाइव, IPL इतिहास में पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने एकमात्र गेंद फेंकी थी और उस पर उन्हें विकेट भी मिल गई थी। उन्होंने IPL में सिर्फ एक गेंद फेंकी और उस पर उन्हें विकेट मिला था। नंबर सिक्स, IPL का पहला सोका कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए ब्रेंडन मकलम ने लगाया था और IPL का पहला छक्का भी ब्रेंडन मकलम ने ही लगाया था। नंबर सेवन, 2013 के IPL में डेल स्टेन ने 212 डॉट बॉल फेंककर एक सीजन में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड बना लिया। नंबर एट, 2015 तक के IPL इतिहास में युवराज सिंह को सबसे अधिक 16 करोड़ में खरीदा गया। सबके IPL की पुरस्कार राशि 15 करोड़ थी। नंबर नाइन, IPL में किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर को हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि जिस वक्त IPL स्टार्ट हुआ था उस समय कई टीमों में पाकिस्तान के प्लेयर हुआ करते थे, पर बाद में इस देश के प्लेयर को IPL में लेने पर बैन लगा दिया गया। नंबर टेन, IPL सीजन 2 में चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन के बीच में हुए मैच में एक कुत्ता मैदान पर आ गया था। ओह माय गॉड, वाओ, हे यार, कम लुक एट दिस। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन जान पाए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।